नमस्कार, आप देख रहे हैं इश्क वाली बात। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राघव। क्योंकि इश्क वाली बात का आज पहला एपिसोड है और आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम है क्या। ये कार्यक्रम है जहां प्रेम कहानियां होंगी, किस्से होंगे, कविताएं होंगी, शायरियां होंगी। ये प्रेम कहानियां, ये किस्से, ये कविताएं और ये शायरियां किसी बड़े कवि की हो सकती हैं, बड़े लेखक की हो सकती हैं, बड़े शायर की हो सकती हैं, और ये हो सकती हैं आपकी भी जो आपने लिखी हैं। हर बार इस एपिसोड में हम बात करेंगे किसी एक बड़े लेखक की और उसकी कहानी की, या किसी बड़े कवि की और उसकी कविता की, या किसी बड़े शायर की और उसकी शायरी की। और आज हम जिस कवि की बात करने जा रहे हैं वो कवि हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जिनको प्रेम के पुजारी के रूप में जाना जाता है और जो हिंदुस्तान में हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच के सबसे बड़े सरताज माने जाते हैं प्रेम के। तो इसलिए हमने उन्हें पहले एपिसोड के लिए चुना है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना की वो पंक्तियां, उनकी वो कविता, उनके वो कविताओं की लाइनें जो दर्शकों को बहुत प्रिय हैं, वो मैं आज आपको सुनाऊंगा। और जिन लोगों ने डॉक्टर विष्णु सक्सेना को सुना है, जिन लोगों ने विष्णु सक्सेना को मंच पर देखा है, वो जानते होंगे कि प्रेम गीतों के लिए विष्णु सक्सेना की जो दीवानगी है वो दर्शकों में किस कदर है। तो विष्णु सक्सेना की जो लाइनें हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये उनकी बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। लाइनें इस प्रकार हैं, सुनिए। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। कितनी खूबसूरत लाइनें हैं जो डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने लिखी हैं। अगली पंक्ति सुनिए। जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, दर्द दिल जो करे सही वो दवा कौन सी है, दर्द दिल जो करे सही वो दवा कौन सी है, तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, अब जरा ये तो बता दो के दफा कौन सी है, अब जरा ये तो बता दो के दफा कौन सी है। तो इतनी खूबसूरत लाइनें डॉक्टर विष्णु सक्सेना लिखते हैं। और अगली पंक्ति डॉक्टर विष्णु सक्सेना की सुनिए। मैं आपको एक खास बात बता दूं कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना जितना खूबसूरत, जितना सुंदर लिखते हैं, वो उतने ही खूबसूरत तरीके से मंच पर अपनी पंक्तियों को सुनाते हैं। अगली लाइन सुनिए। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निकल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निकल जाओगे, ना तो मौसम थे ना हालात ना तारीख ना दिन, ना तो मौसम थे ना हालात ना तारीख ना दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। ऐसी खूबसूरत लाइन है, सुनिए आप। तो पंक्तियां इस प्रकार हैं कि दिल बीमार हो सही वो दवाएं दे दे। कितनी प्यारी लाइन है। दिल बीमार हो सही वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे,
ए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। कितनी खूबसूरत लाइन है। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, मैं मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया। प्यार में दौलत की वैसे भी कोई कीमत नहीं होती है, कोई मूल्य नहीं होता है उसका। प्यार का अपना एक मूल्य होता है जो बेशकीमती है। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, मैं मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। तो ये थी डॉक्टर विष्णु सक्सेना की लाइनें, जिनमें प्रेम की एक अद्भुत अनुभूति को व्यक्त किया गया है। प्रेम को बिल्कुल अलग तरीके से पेश करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना जाने जाते हैं। और आज के इश्क वाली बात एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगली बार हम हाजिर होंगे फिर किसी एक लेखक की प्रेम कहानी लेकर, या किसी कवि की कविता लेकर, या किसी शायर की शायरी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। एक रिक्वेस्ट जो आप सभी से है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर कर सकते हैं, और हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।